दोस्तों वैसे तो फिल्में मनोरंजन का ही साधन है, लेकिन फिर भी हम इन फिल्मों में ऐसे ही सीन्स की अपेक्षा करते हैं जिन्हें हम अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकें। लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में भी बनाई गई जिन्हें हम परिवार के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इन फिल्मों में सेक्स और अतरंग सीन्स की भरमार है। इन फिल्मों में आपको हर पल किसिंग सीन्स, बोल्डनेस और अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, इसलिए इन फिल्मों को अकेले में ही देखें। आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग 1997 में रिलीज हुई एक एरोटिक ड्रामा है जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है। फिल्म में ओमपुरी और रेखा ने मुख्य किरदारों को निभाया है। फिल्म बेहद अडल्ट सीन को लेकर दर्शकों के सामने आई थी। यह बॉलीवुड की बोल्ड फिल्मों में पहला स्थान रखती है। इस फिल्म में रेखा ने एक महिला का किरदार निभाया था जो गरीबी के कारण वैश्यवृत्ति करने लगती है। उत्सव बॉलीवुड की एक एरोटिक फिल्म है जिसका निर्देशन गिरीश कर्नाड ने किया है। फिल्म में शशि कपूर और रेखा मुख्य किरदार में है। इसके अलावा फिल्म में अमजद खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और सतीश कौशिक नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी भी वैश्यवृत्ति को लेकर बनाई गई है जिसमें वसंत सेना की एक ब्राह्मण से मुलाकात को फिल्माया गया है। मर्डर टू एक साइकोलॉजिक हॉरर ड्रामा है जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया है। फिल्म में प्रिया अर्जुन से प्यार करती है लेकिन वह प्रिया के जिस्म के साथ केवल खिलवाड़ करता है और इसी को लेकर फिल्म में कई बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं जो दर्शकों को काफी आकर्षित करते हैं। रागनी एमएमएस टू वर्ष 2014 में रिलीज हुई एरोटिक हॉरर फिल्म है। फिल्म में सनी लियोन, साहिल प्रेम, अनीता हसनदानी, करण मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में आपको सनी लियोन के सेक्सी अवतार के साथ ही बेहद डरावना लुक भी नजर आता है। हेट स्टोरी वर्ष 2012 में रिलीज हुई एरोटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने और निर्माण विक्रम भट्ट द्वारा किया गया है। फिल्म में निखिल द्विवेदी, गुलशन देवैया, पाउली डैम मुख्य भूमिका में नजर आए। इसे बॉलीवुड की बेहद बोल्ड फिल्मों में से एक माना जाता है। सात खून माफ वर्ष 2011 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में विवान शाह, इरफान खान, अनु कपूर, नील, नितिन मुकेश, जॉन अब्राहम, नसीरुद्दीन शाह, उषा उथुप नजर आए। फिल्म में सुशान यानी प्रियंका चोपड़ा 7 आदमियों से शादी करती है और एक के बाद एक 7ों को मार डालती है। प्रियंका को प्यार की तलाश है जो उसे अपने किसी भी पति से नहीं मिलता। जिस्म 2 जिस फिल्म में सनी लियोन हो और वह फिल्म सेक्सी सीन्स लेकर न आए ऐसा शायद ही हो सकता है। 2012 में आई जिस्म 2 भी बोल्ड फिल्मों की लिस्ट में अपनी अलग पहचान रखती है। इस फिल्म में सनी लियोन और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में हैं। ऐतराज वर्ष 2004 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन अब्बास मस्तान ने और निर्माण सुभाष ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में करीना कपूर, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा नजर आए। कई सारे रोमांटिक सीन से भरपूर होने के कारण लोग इसे भी बोल्ड फिल्मों के रूप में ही देखते हैं। हेट स्टोरी 4 हेट स्टोरी संस्करण का 4th भाग है जिसका निर्देशन विशाल पांड्या ने किया है। फिल्म में उर्वशी रौतेला, करण वाही, विवान भटेना और इहाना ढिल्लन मुख्य भूमिका में है। हेट स्टोरी 4 राजनीतिक उथल पुथल, लालच, वासना और उत्साह की कहानी है। जूली टू एक बॉलीवुड एरोटिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में दक्षिण भारत की एक्ट्रेस राय लक्ष्मी मुख्य भूमिका में है। फिल्म में एक लड़की के रातों रात स्टार बनने की कहानी को दिखाया गया है, साथ ही फिल्मी दुनिया में होने वाले कास्टिंग काउच पर भी प्रकाश डाला गया है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे फिल्मों में काम देने के लिए लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। हवस वर्ष 2004 में रिलीज हुई एक एरोटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन करण राजदान ने किया है। फिल्म में मेघना नायडू, शावर अली, तरुण अरोरा आदि नजर आए। जैसा कि फिल्म के नाम से ही समझ गए होंगे कि फिल्म में कितनी हवस देखने को मिलेगी आपको।